हेलो दोस्तों, वेलकम टू पायोज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम टू फेज लाइन साइजिंग कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हम टू फेज लाइन साइजिंग एक नए अप्रोच से पढ़ने वाले हैं, जिस अप्रोच का नाम है 5W1H अप्रोच। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टू फेज फ्लो, देन व्हाई टू फेज लाइन साइजिंग इज इम्पोर्टेंट, देन where two phase flow is possible, and after that we will discuss about when we need to consider two phase line sizing, after that who is responsible for two phase line sizing, then how we will perform two phase line sizing, in that we will discuss about erosion velocity calculation, then line size selection, after that selection of flow regime based on Froude number, then velocity calculation, after that pressure drop calculation. Then I will show you some checkpoints which you have to follow during two phase line sizing. उसके बाद ये जो आखिरी वाला स्लाइड होने वाला ना, ये आपके लिए एक बोनस स्लाइड होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूँ कि एक नॉर्मल स्टूडेंट का टू फेज लाइन साइजिंग की तरफ क्या अप्रोच होता है, और एज ए पायोज स्टूडेंट आपका टू फेज लाइन साइजिंग की तरफ क्या अप्रोच होना चाहिए। मतलब अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में जाते हो और आपको बोला जाता है कि आप ये टू फेज लाइन साइजिंग का कैलकुलेशन करके हमें दो, तो आपका क्या अप्रोच रहने वाला है। मतलब ये पूरे वीडियो का एक ओवरऑल समरी होने वाला है, इसलिए आप वो एंड की स्लाइड मिस मत करना। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पायोज Learn the smarter way. देखो, सबसे पहले हम देखते हैं what is two phase flow. Two phase flow मतलब क्या होता है? अगर देखो, आप विंटर में जल्दी उठते हो, अरे जल्दी उठना, और वो भी विंटर में, वो भी इंजीनियर्स। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ। मान लो आपके पीएल चल रहे हैं, आपने रात के 3 बजे तक पढ़ाई की है और 3 बजे चाय पीने के लिए जाते हो, तो आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर में ना ऐसे छोटे 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 ड्यू रहते हैं। आप जब उसमें से जाते हो और फिर रूम में आते हो तो आपका शर्ट गीला हो जाता है। वो जो मिस्ट होता है ना, मिस्ट, उसे हम टू फेज फ्लो बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारा एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। मतलब लिक्विड भी है और एयर भी है, इसी को हम टू फेज बोलते हैं। उसी प्रकार जब आप इंडस्ट्री में कंसिडर करते हो तो पाइप अगर देखते हो तो उसमें अलग अलग टाइप के टू फेज फ्लो रहते हैं। पहला रहता है बबली फ्लो। इसमें क्या रहता है, लिक्विड जो रहता है वो एंटायरली पाइप फील्ड रहता है, तो उसमें अलग अलग छोटे 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 एयर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। मतलब अगर आपने जो हमारा कपड़े धोते समय बकेट में डिटर्जेंट डाल के अगर उसका फोम करते हो, तो उसमें जो लेयर आता है ना वो आपका बबली लेयर होता है। वो भी एक टू फेज लेयर है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी लिक्विड की है और छोटे छोटे बहुत छोटी क्वांटिटी एयर की है। उसी प्रकार दूसरा एक टू फेज फ्लो होता है स्ट्रेटिफाइड स्मूथ फ्लो, जिसमें ये जो अपर का लेयर होता है ना ये स्मूथ फ्लो करता है, और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड वेवी फ्लो। इसमें देखो, ये अपर वाले लेयर पे अलग अलग वेव्स जनरेट हुए हैं। मतलब अगर आप रिवर का फ्लो देखते हो तो आपको स्ट्रेटिफाइड स्मूथ फ्लो देखने को मिलेगा, अगर आप ओशियन का फ्लो देखते हो तो आपको स्ट्रेटिफाइड वेवी फ्लो देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है प्लग फ्लो, जिसमें ये ऐसे अलग अलग एयर के वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं छोटे छोटे छोटे, जो एक लिक्विड का जो फुल कंप्लीटली फिल्ड एरिया रहता है उसमें अवेलेबल रहते हैं, जो कि अगर कोई कॉर्नर्स वगैरह रहता है तो वहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, जिसकी वजह से आपके पाइप में हैमरिंग भी हो सकती है। उसी प्रकार बहुत डेंजरस होता है ये स्लग फ्लो। इसमें भी देखो, ये एक लिक्विड का अलग ही पोर्शन है, सॉरी गैस का अलग पोर्शन है और ये लिक्विड का अलग पोर्शन है, ये भी जाके कॉर्नर्स पे हैमरिंग कर सकते हैं, इसलिए हमें ये भी अवॉइड करना है। उसके बाद आता है एनुलर फ्लो। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड का फ्लो है वो हमारे वॉल को पकड़ के जा रहा है। ये देखो, दोनों तरफ से लिक्विड जा रहा है और बीच में से एयर जा रहा है, इस फ्लो को हम एनुलर फ्लो बोलते हैं। उसके बाद इंटरमिटेंट फ्लो। इंटरमिटेंट फ्लो जो होता है ना, वो प्लग फ्लो और स्लग फ्लो इन दोनों को मिलके बनाया होता है। इंटरमिटेंट मतलब जो कंटिन्यूस नहीं है। इसमें देखो, इसमें भी कैसे आ रहा है, ये पहले लिक्विड जा रहा है, उसके बाद एक एयर का ड्रॉपलेट है, ये एक एयर का मॉलिक्यूल है, ऐसे मतलब एयर अलग से जा रही है और लिक्विड अलग से जा रहा है, ये भी जाके हैमरिंग कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमें अवॉइड करना है।
उसके बाद देखो ये मिस्ट फ्लो जिसके बारे में मैंने अभी भी एग्जांपल लिया, इसमें क्या है एयर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और जो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स है वो बहुत कम है, इसे मिस्ट फ्लो बोलते हैं। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल के केस में। अब ये वर्टिकल पाइप के केस में अगर देखोगे तो आपको सेम ही रेजिम आपको देखने को मिलेगा। ये देखो बबली फ्लो, उसके बाद स्लग फ्लो, चर्न फ्लो और ये चर्न फ्लो। इसमें भी देखो ये इसमें एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है और इसमें और बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स है और इसका डायरेक्शन भी देखो ये ना अलग अलग डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। उसी प्रकार एक आता है एनुलर फ्लो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे भी देखो ये जो लिक्विड है ये वॉल के साइड से जा रहा है और जो गैस है वो सेंटर से जा रहा है। उसके बाद मिस्ट फ्लो, यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों मिक्स है लेकिन एयर की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, इसे हम मिस्ट फ्लो बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाई टू फेज फ्लो नीड टू कंसिडर, मतलब अगर इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो आपको टू फेज फ्लो कंसिडर करना क्यों ज़रूरी है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर वहाँ पे स्लग फ्लो या फिर प्लग फ्लो आता है तो ना एयर कैप्सूल जनरेट होते हैं। आपने कैविटेशन का कंसेप्ट भी सुना होगा जिसमें देखो हम कैविटेशन क्यों अवॉइड करते हैं, उसमें क्या होता है टू फेज फ्लो जनरेट होता है, मतलब एयर के बबल्स जनरेट होते हैं जो जाके इम्पेलर या फिर केसिन में फूट जाते हैं। तो अगर वो फूटते हैं तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और जो लिक्विड बाहर वाला है, मतलब देखो ये आपका वॉल है, यहाँ पे मान लो ये एयर बबल जनरेटेड है और ये अगर यहाँ से फूट जाता है तो क्या होगा, ये जो बाहर का लिक्विड है वो एकदम प्रेशर से अंदर चला जाएगा तो ये वैक्यूम फील करने के लिए। तो ये जो हमारा सॉलिड सरफेस है वो यहाँ पे ऐसे इसका इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये अवॉइड करने के लिए हमें टू फेज फ्लो अवॉइड करना है। इसमें भी वैसा ही होता है, अगर टू फेज फ्लो होता है ना तो पहले एयर का बबल जाता है, उसके बाद में अगर लिक्विड वहाँ पे जाता है तो उसमें हैमरिंग क्रिएट होता है और वो लाइन वाइब्रेट करना स्टार्ट होती है। अगर लाइन वाइब्रेट होती है, मान लो लाइन वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है और इसको हमने फ्लैंज से कनेक्ट किया है तो ऊपर की लाइन समझो वाइब्रेट हो रही है तो ये जो हमारा फ्लैंज कनेक्शन है वो निकल जाएगा और अगर हैजार्डस लिक्विड है तो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट होगा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसीलिए हमें टू फेज फ्लो अवॉइड करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये मान लो टू फेज फ्लो हो भी रहा है तो आपको उसका एनालिसिस करना क्यों जरूरी है, मतलब व्हाई वी नीड टू कंसिडर टू फेज फ्लो। अगर आपको पता चल गया कि ये टू फेज फ्लो है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसमें टू फेज फ्लो आपने कंसिडर किया है और ये वाइब्रेट हो रहा है तो नॉर्मल पाइप अगर रहता है तो इसको हम 3 मीटर पे एक सपोर्ट लगा देते हैं, लेकिन उसी प्रकार अगर ये टू फेज फ्लो हो तो आपको इसको वाइब्रेशन अवॉइड करने के लिए हर एक मीटर पे आपको एक सपोर्ट देना पड़ेगा जिसकी वजह से इसका वाइब्रेशन रुक जाएगा और अगर कोई एक्सीडेंट होने वाला है वो भी रुक सकता है। इसीलिए हमें टू फेज का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। समझ गया ना आपको व्हाई टू फेज लाइन, व्हाई वी नीड टू कंसीडर टू फेज फ्लो। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट फेयर यू विल सी टू फेज फ्लो, मतलब देखो अगर इंडस्ट्री में हर लाइन में टू फेज फ्लो होता है क्या, नहीं। टू फेज फ्लो होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है अगर आपका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो उस केस में पॉसिबल है कि आपका टू फेज फ्लो जनरेट होता है। मतलब देखो हम पंप के केस में भी अगर देखते हो तो हम क्या करते हैं, पंप के केस में उसका जो सक्शन की लाइन है वो बहुत छोटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेशर ड्रॉप कम हो और प्रेशर ड्रॉप अगर कम होता है तो वो वेपर प्रेशर के नीचे नहीं जाएगा और उसका कैविटेशन नहीं होगा। यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे वो उसके बबल पॉइंट से ऊपर बबल पॉइंट से नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, लेकिन बात तो सेम ही है। आपको अवॉइड क्या करना है, कंसिडर क्या करना है, जो भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो, मतलब देखो अगर लेंथ लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो भी आपका प्रेशर ड्रॉप होगा और आपको टू फेज फ्लो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ अगर मान लो आपने कि यहाँ पे कंट्रोल वाल्व लगाया है, कंट्रोल वाल्व हम क्यों लगाते हैं, यस, उसका प्रेशर किल करने के लिए। तो अगर आपने यहाँ से एक प्रेशर आ रहा है, मतलब मान लो 5 bar, इसको जाके आप 2 bar पे रिड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से आपको पाइप के इस कंट्रोल वाल्व के डाउनस्ट्रीम में आपको टू फेज फ्लो देखने को मिल सकता है। नहीं तो देखो मान लो कोई लिक्विड है जो उसके सैचुरेशन पॉइंट पे फ्लो कर रहा है, मतलब अगर आप स्टीम कंसिडर करते हो कंडेंसर में, ये आपका कंडेंसर है जिसके ये जो वेपर्स आ रहे हैं, ये वेपर्स
जो भी है वो उसके सैचुरेशन पॉइंट पे रहेंगे। मतलब थोड़ा सा भी अगर प्रेशर चेंज होता है तो उसका कंडेंसेशन हो जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब उस केस में भी आपको टू फेज फ्लो देखने को मिलेगा। ये हो गया ये दूसरा केस आपका, मतलब अगर कंडेंसर है मतलब लिक्विड जो है उसको उसके सैचुरेशन पॉइंट पे मूव कर रहा है तो आपको टू फेज फ्लो देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या आपको हर एक, मतलब अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशिंग हो गया तो आप उसे टू फेज फ्लो कंसिडर करोगे? उसके लिए हम ये क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अगर दूसरा जो भी फेज है मतलब आपका एक मतलब फेपर्स आपके जा रहे हैं और उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है और कंडेंसेशन अगर होने के बाद जो भी लिक्विड का कंपोजिशन है वो 5% के ऊपर अगर आ जाता है तो आपको वहाँ पे टू फेज फ्लो कंसिडर करना ही करना है, क्योंकि उस केस में आपका लिक्विड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर उसी प्रकार अगर आपका लिक्विड का परसेंटेज मान लो 1-2% के बीच में है तो क्या आपको उसको टू फेज फ्लो कंसिडर करना चाहिए? जनरली नहीं, उसको हम जनरली मोमेंटरी फ्लैश के नाम से जानते हैं। मतलब थोड़े से टाइम के लिए उसका फ्लैशिंग हो जाएगा लिक्विड का वेपर्स में और कुछ टाइम बाद उस लिक्विड की वजह से उसका कंडेंसेशन हो जाएगा और आगे फिर से वो सिंगल फेज में ही फ्लो होगा। लेकिन आपको उसके साथ साथ डिज़ाइन बेसिस भी चेक करना है। क्या डिज़ाइन बेसिस में आपको कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया दिया है कि 1-2 थोड़ा सा भी फ्लैशिंग हो रहा है तो भी आपको टू फेज फ्लो कंसिडर करना है, ऐसा आपको बताया गया है? अगर बताया गया है तो आपको वहाँ पे टू फेज फ्लो कंसिडर करना ही करना है, क्योंकि डिज़ाइन बेसिस ही आपके लिए एक बेसिक गाइडलाइन होता है कि आपका डिज़ाइन किस प्रकार से आगे जाएगा। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको वही फॉलो करना है। ओके, चलो उसके बाद हम देखते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फेज लाइन साइजिंग। मतलब टू फेज लाइन साइजिंग इंडस्ट्री में करता कौन है? इंडस्ट्री में टू फेज लाइन साइजिंग करने की जिम्मेदारी रहती है प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर की। अब बोलोगे ये आपने यहाँ पे पॉइंट क्यों डाला है? क्योंकि देखो अब पाइपिंग का एक काम रहता है जो पाइपिंग इंजीनियर्स भी करते हैं, लेकिन ये जो टू फेज लाइन साइजिंग का काम रहता है ना ये मेजरली मतलब काम करता ही प्रोसेस इंजीनियर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि प्रोसेस डिजाइन इंजीनियर का ये काम है। और ये टू फेज लाइन साइजिंग करने के लिए हमें बेसिक गाइडलाइंस क्या रहती है? एक तो रहता है API 14E जिसमें हमें टू फेज लाइन साइजिंग के लिए गाइडलाइंस बताई गई है। उसके साथ साथ अगर कंपनी की इनहाउस गाइडलाइंस कुछ है मतलब वो रहती है गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के बेसिस पे, मतलब कंपनी ने प्रीवियसली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं। मतलब मान लो API गाइडलाइंस में आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उन्होंने बताई, लेकिन आपके कंपनी में बोला जाता है 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बहुत कम होती है, हम थोड़ा सा ज़्यादा कंसीडर करके 6 मीटर पर सेकंड भी कंसीडर कर सकते हैं और डायमीटर अपना रिड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग हो सकता है। ये उस कंपनी की इनहाउस गाइडलाइंस है और उनकी गुड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से आप थोड़ा सा डायमीटर कम कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इस केस में जो भी एक्सीडेंट या फिर जो भी कैलेमिनिटीज होगी उसकी जिम्मेदारी कंपनी की रहती है। मतलब अगर आप API भी फॉलो करते हो तो भी जिम्मेदारी तो कंपनी को ही लेनी है, लेकिन इसमें कंपनी की गट फीलिंग रहती कि नहीं हम थोड़ा सा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं और उसके लिए थोड़ा सा डायमीटर कम कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद देखो हाउ टू फेज लाइन साइजिंग इज परफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इंडस्ट्री में टू फेज लाइन साइजिंग करोगे कैसे? मतलब देखो उसके लिए आपको इरोजन वेलोसिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इरोजन वेलोसिटी के बेसिस पे ही टू फेज लाइन साइजिंग किया जाता है। तो देखो इरोजन वेलोसिटी क्या रहता है? इरोजन वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट विच और अबव विच द इरोजन इन पाइप स्टार्ट्स ऑकरिंग। इरोजन मतलब क्या? मतलब देखो ये आपकी पाइप है तो ये जो ऊपरी लेयर है इसका ये डैमेज होना स्टार्ट होता है। मतलब इसका जो ऊपरी लेयर है उसमें जो भी पार्टिकल्स है वो हाई वेलोसिटी की वजह से या फिर हैमरिंग की वजह से ये डैमेज होना स्टार्ट होते हैं, इसे हम इरोजन बोलते हैं। ये जिस वेलोसिटी पे स्टार्ट होता है उसे हम इरोजन वेलोसिटी बोलते हैं। और इरोजन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इरोजन वेलोसिटी इज इक्वल टू C/√ρm, फिर C इज कॉन्स्टेंट फैक्टर विच वी विल डिस्कस इन अवर अपकमिंग स्लाइड, आफ्टर दैट रोयम इज मिक्सचर डेंसिटी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर अपकमिंग स्लाइड, आफ्टर दैट फी इज इरोजन वेलोसिटी। अब एक बात याद रखो कि आपको ये जो इरोजन वेलोसिटी है जो भी आपकी वेलोसिटी लाइन में आ रही है
वो इरोजन वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। अगर इरोजन वेलोसिटी से ऊपर अगर आप वेलोसिटी मेंटेन करते हो तो 100% आपके लाइन में इरोजन होगा ही होगा। इसलिए आप ट्राई करो कि जो भी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो इरोजन वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। ओके, ये आपको ये बात आपको समझ में आ गई। चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर डेंसिटी। आपने यहाँ पे देख लिया, मतलब इरोजन वेलोसिटी का जो भी फॉर्मूला है उसमें आपने देख लिया इरोजन वेलोसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट रो एम। तो ये जो रो एम है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रो एम मतलब मिक्सचर डेंसिटी। अब देखो अगर आप लिक्विड और गैसेस के फ्रैक्शन पे रो एम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये फॉर्मूला है, रो एम इज इक्वल टू एक्स जी इंटू रो जी प्लस एक्सएल इंटू रो एल। इसमें ये जो एक्स जी है वो है गैस का फ्रैक्शन, ये है गैस की डेंसिटी, उसके बाद एक्सएल होती है लिक्विड का फ्रैक्शन और रो एल होता है लिक्विड की डेंसिटी। इस प्रकार आप उस मिक्सचर का डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है तो आपके लिए एपीआई में एक फॉर्मूला दिया गया है, मिक्सचर डेंसिटी इज इक्वल टू 12,409 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इंटू ऑपरेटिंग प्रेशर प्लस 2.7 इंटू आर। आर मतलब गैस लिक्विड रेशो, एस जी मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस, उसके बाद पी मतलब ऑपरेटिंग प्रेशर, डिवाइडेड बाय 198.7 इंटू पी प्लस आर टी जेड। इसमें देखो ये पी ऑपरेटिंग प्रेशर है, आर मतलब गैस लिक्विड रेशो है, टी मतलब टेम्परेचर है और जेड मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है। अब देखो ये जो आर है, आर मतलब गैस लिक्विड रेशो, उसका यूनिट क्या हमें लेना है? फीट क्यूब पर बैरल। मतलब ये जो भी आपको कैलकुलेशन करना है ये आपको FPS यूनिट में ही करना है। अगर आप प्रेशर कंसिडर कर रहे हो ऑपरेटिंग प्रेशर तो आपको वो PSI में कंसिडर करना है। और ये जो R की वैल्यू है वो आपको किस में दी है? फीट क्यूब पर बैरल में एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये STP कंडीशंस क्या होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। अब आपको मैं कन्वर्जन, जो मैंने हमारे जो पहला वाला वीडियो था यूनिट कन्वर्जन का इसमें भी बताया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। 1 बैरल इज इक्वल टू कितना रहता है? 159 लीटर, मतलब 42 US गैलन्स। ये आपको कन्वर्जन करने में काम आ जाएगा। ओके, ये बाकी आपको टेम्परेचर तो पता है और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पता है, तो आप API के फॉर्मूला से भी मिक्सचर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको API के फॉर्मूला से भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो? मान लो आपके पास हाइसिस है तो आप हाइसिस से भी मिक्सचर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा हाइसिस में, जिसमें आप टू फेज कंसिडर करोगे और उसमें आप मिक्सर का मतलब जो भी मिक्सर है उसमें लिक्विड का फ्रैक्शन कितना है और गैस का फ्रैक्शन कितना है वो आप मेंशन करोगे। उसके हिसाब से हाइसिस आपको ऑटोमेटिकली मिक्सर की जो भी डेंसिटी है वो आपको कैलकुलेट कर देगा। ओके, अब आपको पता चल गया कि आपको मिक्सर की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक तो इरोजन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो ये मिक्सर डेंसिटी चाहिए थी, दूसरा चाहिए हमारा कांस्टेंट फैक्टर। तो अब कांस्टेंट फैक्टर क्या है? अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कांस्टेंट फैक्टर के बारे में। अब देखो ये कांस्टेंट फैक्टर जो है वो अगर आप नया नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब आपको बेसिक इंजीनियरिंग से डिटेल इंजीनियरिंग का पूरा आपको मिल गया है, तो आप उस केस में जो सी है वो आप 100 कंसिडर करोगे। क्योंकि अगर सी आप 100 कंसिडर करते हो, मतलब 150 या 250 के कंपैरिजन में अगर आप 100 कंसिडर करते हो तो आपकी आपका जो भी ये इरोजन वेलोसिटी की वैल्यू है ये आपकी छोटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका ये सी जो है वो छोटा है, इस हिसाब से आपकी इरोजन वेलोसिटी भी कम आ जाएगी, मतलब डायमीटर आपका थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। और अगर थोड़ा सा डायमीटर ज़्यादा आ जाता है तो आपके पास आगे मॉडिफिकेशंस के लिए मार्जिन बच जाता है। इसीलिए आपको जनरली आपको सी 100 कंसिडर करना है। उसके बाद देखो उस ये और एक इसको क्राइटेरिया क्या है, आपका जो भी फ्लूड है वो सॉलिड फ्री होना चाहिए और कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए, उस केस में आप सी 100 कंसिडर कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपका फ्लूड जो भी है वो सॉलिड फ्री है और इंटरमीडिएट सर्विस है,
इंटरमीडिएट सर्विस मतलब आप कुछ टाइम के लिए सिर्फ आप ऑपरेशन करना चाहते हो, मतलब कुछ टाइम ऑपरेशन करोगे फिर वो लाइन बंद करके रखोगे, तो उस केस में आप 250 तक जा सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप 100 देके रखते हो तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं ना, अगर आप थोड़ा सा डायमीटर कम भी रख देते हो थोड़ा सा लाइन वाइब्रेट हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो लेकिन कंटिन्यूसली वाइब्रेट अगर होगी तो इशू है, तो वहाँ पे लीकेजेस हो सकती है। लेकिन थोड़े टाइम के लिए हो रही है तो आप मेंटेनेंस के टाइम पे वो और वो सिस्टम जो है वो हैजार्डस नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये केस कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जनरली और एक केस हम कंसिडर करते हैं कि C150 कंसिडर करते हैं, मतलब अगर आपको 250 भी नहीं कंसिडर करना और 100 भी नहीं कंसिडर करना, अगर 250 कंसिडर करते हो तो बहुत ही कम लाइन साइज आ रही है, ज़्यादा लाइन साइज आ रही है, और 100 कंसिडर कर रहे हो तो बहुत ही कम लाइन साइज आ रही है, तो आप 150 कंसिडर करके आगे जा सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कैसे करना है इसके लिए वाटर का एक एग्जांपल दिया है, ये इरोजन वेलोसिटी है, मैंने यहाँ पे 150 है ना, मैंने यहाँ पे 144 कंसिडर कर लिया। ये आप कंसिडर कर सकते हो, आपको कितना चाहिए, आपका गट फीलिंग क्या कहता है, एज ए एक्सपीरियंस प्रोसेस इंजीनियर उस हिसाब से आप यहाँ पे जा सकते हो। मुझे लगता है यहाँ पे 144 लेना चाहिए, इसलिए मैंने 144 ले लिया। कुछ कुछ इंडस्ट्री में यहाँ पे 122 भी लेते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस है। तो देखो, ये आपने यहाँ पे 144 लिया, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000, आपने यहाँ पे 1000 पुट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते हो अंडर रूट 1000 तो आपको मिलेगा 31.7, मतलब आपकी यहाँ पे इरोजन वेलोसिटी आ गई 4.5, मतलब ये 4.5 भी इरोजन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। इस पे भी मैं एक 20% का मार्जिन ले रहा हूँ, मतलब उससे कम मैं वेलोसिटी कंसिडर कर रहा हूँ। 4.5 का अगर मैं 80% ही वेलोसिटी कंसिडर करता हूँ तो 3.6 वेलोसिटी यहाँ पे आ रहा है। अगर आप पंप के डिस्चार्ज में वेलोसिटी देखोगे तो वो इसी रेंज में रहेगी। वो पंप के डिस्चार्ज में वेलोसिटी हम कितनी मेंटेन करते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो कि मैंने हमारे पंप हाइड्रोलिक्स की वीडियो में आपको बताया है। ओके चलो, और एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है, जो भी आपकी इरोजन वेलोसिटी है आपको 3 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 फीट पर सेकेंड से बड़ी रखनी है। क्यों? क्योंकि आपको ये जो स्लगिंग होता है, मतलब स्लग फ्लो जो आपको मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, वो आपको अवॉइड करना है। स्लग फ्लो मतलब क्या होता है, बंच ऑफ लिक्विड कम्स देन गैस देन लिक्विड, मतलब देखो एक टाइम पे लिक्विड आएगा एक टाइम पे गैस आएगा, एक टाइम पे लिक्विड आएगा एक टाइम पे गैस आएगा। इसमें इससे क्या होता है, वाटर का हैमरिंग होता है और लाइन फूट सकती है, इसीलिए आपको वो स्लगिंग अवॉइड करना है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं लाइन साइज कैसे सिलेक्ट करना है हमें। लाइन साइज सिलेक्ट करने के लिए आपने अभी अभी इरोजन वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, मतलब आपको वेलोसिटी तो पता चल गई। अब वेलोसिटी के हिसाब से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, एरिया मिनिमम। अभी मिनिमम एरिया क्यों आ गया, मिनिमम एरिया इसलिए आ गया क्योंकि ये जो आपकी फी है ये मैक्सिमम है, आप इसके ऊपर नहीं जाने वाले, इसलिए आपका जो भी एरिया है वो मिनिमम है। अगर आप इससे ज़्यादा एरिया लेते हो तो इरोजन वेलोसिटी कम ही होने वाली है, इसलिए ये जो ए भी यहाँ पे एरिया कैलकुलेट होगा वो आपका मिनिमम एरिया होगा। ओके चलो, इसका मिनिमम एरिया का फॉर्मूला क्या है, 9.35 प्लस ZRT डिवाइडेड बाय 21.25 इंटू ऑपरेटिंग प्रेशर एंड होल डिवाइडेड बाय इरोजन वेलोसिटी। इस फॉर्मूला से आप मिनिमम एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक बात याद रखो, इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पूछता, आपको सिर्फ कंसेप्ट्स कितने पता है, मतलब आपको पूछेंगे कि इरोजन वेलोसिटी पे जो एरिया कैलकुलेट करते हो वो मिनिमम रहता है या मैक्सिमम रहता है और मिनिमम क्यों रहता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। और ये जो आप फॉर्मूला यूज करते हो वो कितने फ्लोरेट के लिए रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है फॉर 100 बैरल पर डे, मतलब ये यहाँ पे जो आप एरिया कैलकुलेट करोगे वो आपके फ्लो के इरिस्पेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे आपने आपका फ्लो मेंशन किया है क्या, देखो नहीं, ये जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी की वैल्यूज आप यहाँ पे डाल रहे हो, आपका फ्लो कितना है वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हो, इसलिए एक स्टैंडर्ड फ्लोरेट के लिए कैलकुलेट किया गया है जो कि है 1000 बैरल पर डे। फिर आपके फ्लो रेट के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको कैलकुलेट करना है, मतलब देखो 1000
बैरल पर डे के लिए आपका एरिया A1, मतलब ये जो आपने ए मिनिमम कैलकुलेट किया वो आपका यहाँ पे आ गया। तो आपका जो भी फ्लो रेट है उसके लिए A2 आपको कैलकुलेट करना है वो कितना रहेगा। तो ये जो A2 है मतलब ए आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैसा, ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो आपको करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे, एरिया मिनिमम इंटू Q2 डिवाइडेड बाय 1000, यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा और एरिया क्या रहता है पाई बाय 4D2, तो आपको यहाँ से डायमीटर मिल जाएगा। समझ गया, अगर ये डायमीटर मिल गया तो आपको पाइप की साइज ही मिल गई ना, ये आपका पाइप का इनसाइड डायमीटर मिलेगा डायरेक्टली। और फिर आप ये क्या करोगे, इनसाइड डायमीटर लेके PMS में जाओगे और PMS से आपको नॉमिनल पाइप साइज मिलेगा NPS, और वो नॉमिनल पाइप साइज है PNID या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। समझ गए ना, ओके। चलो अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, चेक फ्लो रेजिम बेस्ड ऑन फ्राउड नंबर। अब आपने आपका डायमीटर तो कैलकुलेट कर लिया, अब उस डायमीटर के हिसाब से आप एक फ्राउड नंबर कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले तो देखो फ्राउड नंबर क्या होता है, फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा भी होगा, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप उसका कन्वर्जन करते हो तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, FR इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी इंटू एल। ये जो एल रहता है वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ रहता है, मतलब अगर आपकी पाइप हॉरिजेंटल है तो आपकी लेंथ रहेगी आपका डायमीटर, मतलब अगर आपकी ये हॉरिजेंटल पाइप है तो एल कैरेक्टरिस्टिक लेंथ मतलब आप लिक्विड का डेप्थ कंसिडर कर सकते हो। अगर ये वर्टिकल पाइप है तो लिक्विड का डेप्थ कहाँ तक होगा, ये कम्प्लीटली फिल्ड रहेगा, तो ये आपका एल रहेगा और डेप्थ। उसी प्रकार अगर हॉरिजेंटल पाइप रहेगा तो आपका डेप्थ इतना ही रहेगा, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो आपकी डायमीटर है इनसाइड डायमीटर वो आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगा। समझ गए ना, ये एल वो है। तो अब देखो गैस के लिए फ्राउड नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है Vg अंडर रूट रोजी अपॉन रोयल माइनस रोजी इंटू जी इंटू एल। ये एल जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है। फिर यहाँ पे जो Vg है मतलब वेलोसिटी ऑफ गैस वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, Qg डिवाइडेड बाय पाई बाय 4L2। ये एल देखो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ये Qg मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ गैस। इस प्रकार से आप वेलोसिटी ऑफ गैस कैलकुलेट करोगे और उसी प्रकार लिक्विड के लिए भी आप फ्राउड नंबर कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो QL एंड QG वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, Vg एंड VL सुपरफिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम सुपरफिशियल वेलोसिटी क्यों कंसीडर कर रहे हैं और सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या होता है, सुपरफिशियल वेलोसिटी मतलब देखो एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी है, मतलब जो एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं। इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, जो भी आपका क्रॉस सेक्शन है वहाँ पे अगर आप गैस के लिए सुपरफिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो आप ये कंसीडर करते हो कि ये जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें कम्प्लीटली गैस फ्लो रहा है, जबकि अगर आप पाइप में देखते हो तो वैसा नहीं है। लेकिन हम एक हाइपोथेटिकली कंसीडर करते हैं कि एक कम्प्लीटली लाइन जो है वो गैस से फिल्ड है। और उसी प्रकार जब आप लिक्विड के लिए सुपरफिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहोगे तब आप ये कंसीडर करोगे कि जो भी आपका कम्प्लीट पाइप है वो लिक्विड से फिल्ड है, जबकि प्रैक्टिकली वैसा नहीं। लेकिन हम ऐसा कंसीडर करते हैं, हाइपोथेटिकली कंसीडर करते हैं कि वो सिर्फ लिक्विड ही वहाँ से फ्लो रहा है और उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और ये एल जो है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, ओके। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज मेंशन किया है, जिसमें देखो अगर फ्राउड नंबर लेस देन 1 है तो आपका फ्लो जो भी रहेगा वो सब क्रिटिकल फ्लो रहेगा जिसमें ग्रेविटी डोमिनेट कर रही है। ये कैसे आप पता कर सकते हो, यहाँ पे देखो आपका फ्राउड नंबर लेस देन 1 है मतलब ये जो नीचे का पार्ट है वो बहुत बड़ा आ रहा है, नीचे क्या है ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी डोमिनेट कर रही है, और जो वेलोसिटी है वो लेस है, मतलब जो भी आपकी वेलोसिटी है वेव स्पीड की वो लेस है। अगर वेलोसिटी कम है तो टर्बुलेंस भी कम आ जाएगा, मतलब ये रट लगाने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगर फ्राउड नंबर का फॉर्मूला आप देखते हो तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो अब क्या है, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये क्रिटिकल फ्लो है जिसमें फ्लो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव स्पीड। इसमें क्या है, जो भी आपकी वेलोसिटी है वो मतलब इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू मतलब सिमिलर टू ग्रेविटी फ्लो, कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा, इनर्शियल फोर्स भी डोमिनेट नहीं कर रहा और ग्रेविटी भी डोमिनेट नहीं कर रही, इसलिए ये 1 के करीब आ रहा है। और इस केस में हम ये कंसिडर करते हैं कि जो भी आपकी फ्लो की वेलोसिटी है वो आपके वेव स्पीड के इक्वल है। उसी प्रकार जब आप
फ्राउड नंबर इज ग्रेटर देन वन आपको मिलता है तो आपका क्या रहता है, वो सुपरफिशियल फ्लो रहता है, मतलब उसमें इनर्शिया डोमिनेट करता है। मतलब देखो यहाँ पे अगर आपको फ्राउड नंबर एक से बड़ा चाहिए तो आपका जो भी ये न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो ग्रेविटी जो भी है वो लेस डोमिनेटिंग रहेगी एज कम्पेयर टू वेलोसिटी। यही यहाँ पे लिखा है, फ्लो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेव स्पीड, एंड अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो टर्बुलेंस भी ज़्यादा आ जाएगा। ओके चलो अब देखते हैं फ्लो रेजिम्स क्या रहते हैं। मतलब अगर अब आपने लिक्विड के लिए भी फ्राउड नंबर कैलकुलेट किया और गैस के लिए भी फ्राउड नंबर कैलकुलेट किया, अब जो भी फ्राउड नंबर आपको मिला है वो आप यहाँ पे प्लॉट करोगे। गैस का फ्राउड नंबर आपको यहाँ पे मिला था और लिक्विड का फ्राउड नंबर आपको यहाँ पे मिला था, आपने ये दोनों लाइंस ड्रॉ करी तो आपको ये क्रॉस सेक्शनल पॉइंट मिल गया। मतलब जो भी आपका फ्लो हो रहा है तो वो स्ट्रेटिफाइड वेवी रीजन में हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप कंसिडर कर सकते हो और प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस लाइन में, हम इस टू फेज लाइन साइजिंग से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मान लो आपका गैस के लिए जो फ्राउड नंबर आता है वो इस 0.01 के करीब आता है और लिक्विड के लिए जो फ्राउड नंबर आता है वो यहाँ पे कहीं आता है, और ये अगर आप मैच करते हो तो आपका देखो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, ये किस रीजन में आ रहा है, प्लग फ्लो या स्लग फ्लो रीजन में आ रहा है, तो ये आपको अवॉइड करना है क्योंकि इसमें हैमरिंग होगा। और अब ये आप अवॉइड कर से कैसे करोगे, ये आप अवॉइड करने के लिए क्या करोगे, डायमीटर चेंज करोगे, मतलब डायमीटर कम ज़्यादा करके देखोगे कि आपका जो भी ये पॉइंट है फ्राउड नंबर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो आपका इस बाकी रीजन में आ जाए कहीं पे, तो यही पे यहाँ पे वो शिफ्ट हो जाए ऐसे, इस प्रकार से आप उसका डायमीटर चेंज करोगे तो आपका जो भी टू फेज लाइन साइजिंग है वो आप वैलिडेट कर सकते हो इस प्रकार। उसी प्रकार जब आप टू फेज लाइन साइजिंग वर्टिकल पाइप में कंसिडर करते हो तो यहाँ पे भी सेम है, इस एक्स एक्सिस पे आप गैस के लिए जो भी फ्राउड नंबर आता है वो रिप्रेजेंट करोगे और वाई एक्सिस पे आपको जो भी लिक्विड का फ्राउड नंबर आता है वो आप रिप्रेजेंट करोगे, उसका जो भी क्रॉस सेक्शन आता है वो आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे, और आपको ये स्लग फ्लो चर्न फ्लो मतलब जो भी इंटरमीडिएट फ्लो है वो आपको अवॉइड करना है। आपका पॉइंट किधर, तो एनुलर या डिस्पर्ट फ्लो में आना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर आपका पॉइंट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कंसिडर कर सकते हो टू फेस फ्लो और वही डायमीटर लेकर आगे जा सकते हो। समझ गए ना आपको रेजिम कैसे आइडेंटिफाई करना है और डायमीटर आपने जो कैलकुलेट किया है वो आपको वैलिडेट कैसे करना है। ओके चलो अब देखते हैं वेलोसिटी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। वेलोसिटी का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, Vm मतलब मिक्सड वेलोसिटी, मिक्सड वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइडेड बाय रो m पाई बाय 4 डी स्क्वायर। इसमें ये ओमेगा क्या है, ओमेगा है टोटल मास फ्लो रेट, ओमेगा इज इक्वल टू टोटल मास फ्लो रेट, मतलब गैस और लिक्विड दोनों का जो भी फ्लो रेट है उसको हम कंसिडर करके ओमेगा निकाल रहे हैं। ये जो भी कैलकुलेशन है वो आपको FPS यूनिट में कंसिडर करना है, मतलब अगर डायमीटर में डायमीटर आप लेते हो तो इंच में ही आपको कंसिडर करना है, और अगर आप मास फ्लो रेट ले रहे हो तो आपको पाउंड्स पर आवर में ही कंसिडर करना है इस प्रकार। ओके चलो ये आपको वेलोसिटी का पता चल गया। उसके बाद प्रेशर ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करना है, प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन करने के लिए टू फेज फ्लो में ये एक फॉर्मूला है आपके पास, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0.000336 इंटू एफ इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी रेस टू पावर 5 इंटू रो एम। यहाँ पे देखो ये जो एफ है वो क्या है, मूडी फ्रिक्शन फैक्टर है, ओमेगा क्या है टोटल मास फ्लो रेट है, डी मतलब डायमीटर है जो आपने अभी पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद रो एम मतलब मिक्सर डेंसिटी है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन आ गया होगा कि हमें ओमेगा कैसे कैलकुलेट करना है, ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है जो है ओमेगा इज इक्वल टू 3180 इंटू क्यूजी मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ गैस इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस प्लस 14.6 इंटू क्यूएल मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। एंड ये जो क्यूजी है आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ गैस, ये आपका किस में रहता है, रहना चाहिए MMSCFD में रहना चाहिए, और QL जो है मतलब फ्लो रेट ऑफ लिक्विड जो है वो आपका बैरल पर डे में रहना चाहिए, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हो, और नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना है और ये फार्मूला यूज करना है। ओके चलो
अब देखते हैं कुछ चेक पॉइंट्स, मतलब आपने कैलकुलेशन तो कर लिया, अब आपके लिए चेक पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। आपका जो भी एवरेज मतलब मिक्सर का जो भी वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो 3 मीटर पर सेकेंड से बड़ी होनी चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड या फिर 10 फीट पर सेकेंड, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि हम इस वेलोसिटी के साथ जा सकते हैं। अगर आपने वेलोसिटी फाइनलाइज कर लिया तो आपका डायमीटर भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपका कहीं पे नोजल में जा रहे हो तो उस नोजल के अक्रॉस आपको रो वी स्क्वायर का मतलब मोमेंटम क्राइटेरिया चेक करना है। मोमेंटम क्राइटेरिया क्या रहता है? रो वी स्क्वायर। अगर आप रो वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको वो 1400 के नीचे आनी चाहिए। अगर नीचे आ रही है तो आपका कैलकुलेशन सही है, आपका डायमीटर वो आप फिक्स कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका जो भी फ्लो रेजिम आपने डिफाइन किया है वो प्लग और स्लग फ्लो में नहीं होना चाहिए। प्लग और स्लग फ्लो के अलावा जो भी बाकी के रीजन है, मतलब स्ट्रेटिफाइड स्मूथ फ्लो है, स्ट्रेटिफाइड वेवी फ्लो है, एनुलर फ्लो है, उसमें गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप वही डायमीटर आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, ये कुछ चेक पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, ये मैं बताने वाला था आपको कि एक नॉर्मल स्टूडेंट का टू फेज लाइन साइजिंग के लिए क्या अप्रोच होता है और आपका टू फेज लाइन साइजिंग के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। इंटरव्यू में भी ये बहुत बार पूछते हैं, कभी कभी ना आपको यही डायग्राम निकाल के देते हैं और आप इसमें टू फेज लाइन साइजिंग कैसे करोगे ये पूछते हैं। तब आपको ये प्रोसेस नहीं बतानी है, पहले आपको ये बताना है कि पहले तो ये जो कंट्रोल वाल यहाँ पे है उसको मैं डेस्टिनेशन के क्लोज और हॉरिजेंटल लाइन में ही शिफ्ट करूंगा। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये जो ए से आप ले रहे हो पंप से, यहाँ पे कंट्रोल वाल में जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, ये जो आगे की लाइन है यहाँ पे कंप्लीटली टू फेज रहेगा, तो आपको ये अवॉइड करना है। ये आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, मान लो आपने यहाँ का कंट्रोल वाल यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये सिंगल फ्लो ही रहेगा, यहाँ तक सिंगल फ्लो में जाएगा और ये कंट्रोल वाल के बाद में ये जो छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे सिर्फ टू फेज फ्लो रहेगा। मतलब देखो आपने कितना कॉस्ट सेविंग यहाँ पे कर लिया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक टू फेज फ्लो कंसिडर करते तो एक तो आपका डायमीटर बढ़ जाता, उसके साथ साथ यहाँ पे जो भी सपोर्ट्स आ रहे हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाता। ये हॉरिजेंटल पाइप है यहाँ पे तो ठीक है, ये वर्टिकल पाइप है उसमें, इसमें आप कहीं पे ज्वाइंट नहीं दे सकते। फिर अगर फ्लैंजेस की ज्वाइंट अगर देते हो तो वहाँ पे लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको एक कंटिन्यूस पीस डालना पड़ेगा। ये सब आपके लिए इशू है, इसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ का जो भी कंट्रोल वाल है उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर देना, तो आप जो चाहे यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे की लाइन साइज भी छोटी रख सकते हो, यहाँ पे जॉइंट्स भी दे सकते हो, बस आपको केयरफुली लाइन साइज करना है कंट्रोल वाल के आगे का, जो आपका कंट्रोल वाल के आगे से टैंक में जा रहा है, ये बहुत छोटा सा पार्ट रहेगा, वो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप ये आंसर इंटरव्यू को देते हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, समझ गया ना। चलो ये था टू फेज लाइन साइजिंग के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट रिप्लाई भी देंगे, और अगर कुछ कमेंट्स पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो हम वीडियो भी बनाएंगे। चलो थैंक यू। बायोस लर्न द स्मार्टर वे।